अराउंड द कॉर्नर और हमारे लिए तो पूरा साल वुमेन्स डे है, एटलीस्ट मेरे लिए. मुझे तो पूरे साल मैं खुद भी स्पेशल फील करती हूँ और चाहती हूँ कि सब मुझे स्पेशल फील कराएं क्योंकि मैं लोगों को स्पेशल फील कराती हूँ. तो आई थिंक ऐसे माहौल में इफ़ यू आर अवार्डेड फॉर समथिंग वेयर यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मुझे जो अप्रिसिएशन मिला है वो स्टाइल के लिए मिला है. सो आई फील ऑनर्ड एंड आई लाइक द टाइटल एस्पायरिंग शी. सो इफ आई maybe 10% or 5% inspire anyone, which I believe I do because I do get a lot of messages, a lot of people tweet, and they get really worried when I'm not there. They want me to dress up, they want me to do videos on makeup, hair, and what I do, what I don't, on my fitness. So I really, really appreciate it. और इसके लिए अगर हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको और अच्छा लगता है, अच्छा काम करने और अच्छा काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है. कितना इम्पोर्टेंट है वुमेन्स को फेलिसिटेट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी जो है वुमेन खुद को जो है डाउन भी फील करती है, तो ये फेलिसिटेशन. देखिए, औरत को ही फेलिसिटेट करना ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं, आपको भी फेलिसिटेट करना चाहिए. मैन ऑल्सो डिजर्व एवरी काइंड ऑफ फेलिसिटेशन. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ औरत ही डिजर्व करती है. हाँ, वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है और उस मौके पर अगर ये चीज़ हो रही है जहाँ पर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ विल कम हियर, जिनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है. बट उससे ये कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं होता कि इट इज़ ओनली फॉर वुमेन. आई थिंक वी ऑल शुड बी अप्रिशिएटेड. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. आई एम ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स द फिल्म गॉट एंड स्पेशली माई कैरेक्टर. यू नो, फॉर अ टेलीविजन एक्टर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. कि आप, आई थिंक आपने भी, मैंने कोई तो कुछ तो देखा था, आई थिंक इट वॉज योर वॉइस, जहाँ तक मुझे लगा कि आवाज़. हाँ हाँ, रिव्यू किया था एंड मैं देख नहीं पाई इनको, लेकिन आई थिंक यही थे. लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म एंड अबाउट माई कैरेक्टर. तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को, एक टेलीविजन एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है वो ब्रेक करना और फिल्म्स में काम करना. सो पीपल लव्ड माय परफॉर्मेंस, सो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड. वेल, आई हैव अनदर डिजिटल फिल्म कमिंग अप ऑन Z5 प्रीमियम एंड आफ्टर दैट आई एम इन टॉक्स फॉर अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. फिलहाल करेंटली अनलॉक माई डिजिटल फिल्म इज गोना कम. थैंक यू. Rocky, who do you think will be ready at this time? Of course, I want to go with him, but koi maan hi nahi. I think he's right. Hum sabko, in fact, maine kal ye bhi sunne mein aaya ki lot of big award functions are cancelling or holi parties are cancelling because of the virus we have around. I think we got to be a little more careful. ठीक है, वो आप, यू नो, सोशल मीडिया पे यू पुट अप अ लॉट ऑफ स्टफ क्योंकि उस मोमेंट में आप थोड़े से दुखी हो जाते हो. बट द फैक्ट इज़ वी रियली रियली नीड टू स्टे इंडोर्स जितना हो सके और ट्रैवल तो अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर, हाथ मत मिलाइए. नमस्ते. थैंक यू, थैंक यू. ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है जब आप लोगों को इंस्पायर कर सकें किसी भी तरीके से. आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव मेड मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. अभी भी कोशिश ये है कि और थोड़ा अच्छा काम करूं. मेरी जो साथ की लेडीज़ हैं या फिर दूर दराज बैठ कर जो लोग मेरा शो देखती हैं या अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ देख रही हैं, दे शुड गेट इंस्पायर्ड टू जस्ट कीप वर्किंग, मूविंग ऑन एंड नॉट गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स. खुल के जीना आना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हो अपने अरमान और सपने पूरे करते रहें. इतना इम्पोर्टेंट है इस तरह के अवार्ड करना टू बूस्ट अप वुमेन्स मोरालिटी.
मुझे लगता है ये जो वुमेन डे स्पेशल अवार्ड शोज होते हैं या इवेंट्स होते हैं, ये सिर्फ इसी दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए. औरतों को हर रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए. वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग होती है औरतों के लिए, वो कभी भी नहीं आनी चाहिए. सो आई थिंक एवरी डे इज़ अ वुमेन्स डे, इज़न्ट इट? पार्ट टू के लिए थोड़ा वक्त है मुझे लगता है, लेकिन हाँ आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला ऑल्ट पर बहुत अच्छा लगा. हमें ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है. पीपल अभी तक दे आर वॉचिंग द शो एंड दे आर गेटिंग बैक टू मी कि उन्हें वेब सीरीज में मज़ा आया एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन टू. सो लेट्स होप पीपल पिक यू एंड जल्दी हम लोग सीजन टू लॉन्च करें, पर अभी थोड़ा वक्त है. इस साल होली के लिए मैं और मेरे हस्बैंड विवेक हम दोनों भोपाल जा रहे हैं. हर साल की तरह भोपाल में होली होती है और दिवाली चंडीगढ़ में, हमारा कुछ इस तरह का रस्म है, रिवाज है. तो हम लोग वापस भोपाल जाएंगे और वहाँ पे इनफैक्ट एक शादी फंक्शन है तो वो अटेंड करेंगे. सो इस बार होली की जगह हल्दी मनाने वाले हैं. दिस इज़ वेरी सैड. लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनफैक्ट बिकॉज ऑफ करोना वायरस. आई थिंक डरने की वजह ज़रूरी है कि हम लोग सब सावधानी बरतें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें. इनफैक्ट मैं और मेरे हस्बैंड, जैसे कि हमने बताया, अभी भोपाल ट्रैवल करने वाले हैं. So we will make it a point कि हम लोग मास्क पहन के ट्रैवल करें, कुछ अलग होगा. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एस्पायरिंग शी के लिए आई हूँ और ये मेरा बिग बॉस के बाद पहला अवार्ड है, अवार्ड फंक्शन है, वेयर जहाँ पर आई कम. और वुमेंस डे है और आई थिंक औरत से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है इस दुनिया में. और आजकल की औरतें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं. कोई भी औरत आजकल किसी बेटे से कम नहीं है. कहते हैं ना कि एक औरत घर बनाती भी है और वही औरत घर उजाड़ भी सकती है. तो मतलब हम में जो शक्ति है, हम मतलब एक औरत माँ भी होती है. और आजकल बहुत सारे एंटरप्रेनर्स हैं जो औरतें ही हैं. सो आई एम वेरी प्राउड दैट इतना ज़्यादा, मतलब अभी एक वक्त था, एक ज़माना था जब हमें सिर्फ एक बीवी के रूप में ही देखा जाता था और बहू के रूप में ही देखा जाता था. बट आज वही बीवी वही बहू बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रूल कर रही है. सो आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड ऑल्सो टू विद दिस इवेंट. जिस तरह से बिग बॉस में आपने खुद को रिप्रेजेंट किया, वुमन पावर दिखाया बिग बॉस में, बाहर आने के बाद क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे उस चीज़ को लेकर और कितना प्राउड फील करती है एज अ वुमन, जिस तरह का आपने बिग बॉस में देखा होगा? बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ. और जैसा कि बिग बॉस की जर्नी थी बहुत ज़्यादा इमोशनली ऊपर नीचे थी, बट आई जस्ट फील दैट बहुत ही अच्छी तरह संभाला. और एक लड़की को हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन करके ही रखना चाहिए. तो जब मैं बाहर से आई, जब मुझे अंदर भी मुझे सर ने बोला कि सलमान सर ने बोला दैट बहुत ही अच्छी तरह गेम खेला, बहुत ही बहुत सारी डिग्निटी के साथ. तो जब बाहर आई तो सब लोगों ने बोला कि बहुत ही इज्जत से तुमने गेम खेला है आरती. और बहुत ज़्यादा प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन उससे साथ जो रिस्पेक्ट मिली है सोसाइटी की, आई थिंक वो ट्रॉफी से भी बहुत ज़्यादा है. क्योंकि दिल जीतना बहुत ज़रूरी था और रिस्पेक्ट कमाना बहुत ज़रूरी था. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 5 महीना के बाद आप भूल जाते हो कि आप कैमरास के बीच में हो. बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कभी भी उस अपनी कभी भी तमीज़ की दायरे को कभी लांघा नहीं. और बाहर आए तो लोग बोलते हैं कि बहुत समझदार हो. तो आई थिंक मेरे लिए ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप क्या कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट होने वाला है, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? नेक्स्ट अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट आई वुड लव टू डू अ डांस रियलिटी शो. आई बीन ऑफर्ड अ फिल्म, बट आई डोंट थिंक सो दैट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ. अभी तो मैं उसी, ऐसा लगता है मैं अभी भी बिग बॉस में ही हूँ. मुझे अभी भी वो सारा थकावट नहीं निकली है. 5 महीना मतलब अंदर बहुत ज़्यादा था. बट आई एम वेरी हैप्पी. बट अभी आई एम लुकिंग फॉर अ लाइन्स, अगर कोई अच्छा डांस रियलिटी. वेरी हैप्पी फॉर आसिम, ही इज़ अ टैलेंटेड गाय. और अच्छी बात है कि वो जैकलीन के साथ वीडियो कर रहा है. एंड आई थिंक वही एक इंसान था जो अंदर फिट था. तो ऑब्वियसली
I'm very excited to see them. I'm very excited to see even Paras Mahira ka jo album hai. Maine unka sirf first look dekha hai. And matlab it's nice. To aap bhi koi song meri abhi I don't know ye bhi koi chhimi मुझे नहीं पता मैं स्टार बन गई हूँ कि नहीं पता बट अच्छी बात है लोग जानने लगे हैं और म्यूज़िक वीडियोस की बात मेरी एक्चुअली मुझे कल ही एक मीटिंग थी बट वो पोस्टपोन हो गई तो आई माइट अनाउंस अ म्यूज़िक वीडियो बट लेट्स सी थैंक यू सो मच मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मैं एस्पायरिंग शी के फोर्थ एडिशन पे आई हूँ अवार्ड्स देने और सौमिता तिवारी एंड मेजर तिवारी ये हमारे साथ है जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत खुशी की बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो स्त्रियां इतनी प्रगति कर रही है उनको आज हम रिकग्नाइज़ करें और उस टाइम पे जब आज कल हमारा वुमेंस डे है तो बहुत अच्छा दिन है स्त्रियों की प्रगति देखने का और स्त्रियाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँची है ये देखने का और क्या गोल्स लेके कहाँ पहुँचना है इसकी भी स्टडी करने के मुझे खुशी है मैं आज इस अवार्ड सेरेमनी पे हूँ और जैसे कहते हैं कि इफ़ यू हैव टू गेट समथिंग सेड आस्क अ मैन एंड इफ़ यू हैव टू गेट समथिंग डन आस्क अ वुमन और यहाँ सारी वही स्त्रियाँ थी जो आगे बढ़ के काम करने वालों में से थी और बहुत खुशी है इन सब से मिलते हैं तो मैम फोर्थ एडिशन है मतलब ये जर्नी कैसी रही फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक और इस साल मतलब जो है सारी स्त्रियाँ यहाँ पर है क्या जी हाँ जी इट हैज़ बीन रियली वेरी इंस्पायरिंग बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब हम अलग अलग फील्ड के कई महिलाओं से मिलते हैं और बात करते हैं और उनकी कई जर्नीज़ के बारे में जानते हैं बहुत सारी इंस्पिरेशन एक साथ मिलती है और हमारा जो फोरम है एस्पायरिंग शी उसका जो मेन बेसिस है जो उसकी नींव है उसके पीछे इंस्पिरेशन ही हैं पिछले दो सालों में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद है अगले दो वर्षों में हम इंटरनेशनली भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे एंड आई हैव दैट फेथ इन मी एंड वी हैव सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन एंड आई एम थैंकफुल टू अमृता जी हु हैज जॉइंड अस टुडे जो हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और एक ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जब एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करती है सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द लेडीज़ हु हैव जॉइंड अस and especially to Amrita ji also and thanks to my husband Major Arvind Tiwari who has been supporting me in this endeavor always and who has had lot of faith in me and in this concept also because it is not possible to believe and then you know keep on believing on something and at times it works and at times it doesn't work so us tarah ka jo support system hota hai hamari family ki taraf se he is my brother he is also with me and I my whole family jo meri do choti betiyon ka dhyan rakh rahe hain aaj because I am here so that matters that family support matters so I am being very emotional today because sara kuch hota tabhi hai jab family ka support milta hai so I am thankful to my parents my brother my husband and all the lovely women out here So huge thanks to each and everybody in making this event very successful. Thank you so much. Thank you so much. Sir, आपसे जानना चाहेंगे जैसे मैंने मैम से पूछा चार साल हो चुके हैं तो आप जो है पहले साल से मैम को सपोर्ट कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे कितना प्राउड फील हो रहा है सामने का एक्चुअली स्पीकिंग देर इज़ नॉट मच ऑफ अ सपोर्ट एज शी इज सेइंग यू नो आई हैव बीन अ म्यूट स्पेक्टेटर मोस्टली एंड आई हैव मोस्टली जस्ट शोड अप ऑन द इवेंट डे बिकॉज मैं कुछ दूसरी चीज़ें करता हूँ तो इतना भी सपोर्ट नहीं इट इज़ मैग्नानिमस एंड रियली एनकरेजिंग ऑफ आई मीन इट इज़ रियली लार्ज हार्टेड ऑफ हर टू से दैट बट ऑफ कोर्स एज मैन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारी बेटी हो वाइफ हो मदर हो सिस्टर हो कोई भी हो वो जो भी करती हैं उनके पीछे रॉक सॉलिड बन के हम खड़े रहें ताकि वो अपने ड्रीम्स और अपनी एम्बिशंस को परस्यू करती रहें और जैसा कि काफ़ी पैनलिस्ट ने बोला मिसेस फडणवीस ने भी बोला कि कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ जो हैं इक्वल बैलेंसिंग ऑफ वर्क फोर्स के ऊपर ही निर्भर करती है जिन कंट्रीज़ में विमेन आर एट द फोरफ्रंट और अच्छी तरह से कंधा मिलाकर इनफैक्ट आगे भी जाकर आदमियों के साथ काम कर रही हैं यू कैन सी दोज कंट्रीज़ फीचर इन द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इनवेरिएबली जहाँ पे औरतों का दमन होता है जहाँ पे उनका शोषण होता है जहाँ उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है वो कंट्रीज़ को आप देखेंगे कि वो देश में इकोनॉमिकली पीछे हैं फाइनेंशियली वीक हैं तो
और किसी चीज़ के लिए नहीं तो हमें अपनी इकोनॉमी के लिए ही वीमेन को सपोर्ट करना चाहिए। और ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती है ही दुनिया में, कोई सोचता है कि इनइक्वालिटी है लेकिन वो उस आदमी की गलत थिंकिंग है। तो वी शुड स्टैंड बिहाइंड आवर वीमेन इन वॉट एवर वे दे आर रिलेटेड टू अस, एंड दिस इज़ वॉट आई हैव ट्राइड टू डू फॉर द लास्ट 4 एडिशंस एंड आई विल ट्राई टू डू इट एज लॉन्ग एज आई एम अराउंड। थैंक यू। मैंने अभी स्टेज पे गुनगुनाया था और आपको ये गाना सुनना है तो कल आप मेरे लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ सकते हैं, वहाँ मैं आपको सुना दूँगी। कल यूट्यूब पे लॉन्च होने वाला है एसिड अटैक विक्टिम्स पे ये सॉन्ग है और आप ज़रूर आइएगा कल उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लॉन्चिंग पे। यू ऑल आर इनवाइटेड। देन यू डोंट हैव अ पॉइंट टू कम टुमारो, सो यू कम टुमारो। आई कम टुमारो, आई विल बी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट लास्ट ईयर गॉट मोस्ट फैसिनेटिंग फेस ऑफ द ईयर एंड दिस ईयर आई एम गेटिंग पावर चेंज मेकर ऑफ द ईयर। आई थिंक इट्स You know, when you're an outsider from the industry, you're not from the industry, and you kind of come and make a shift and make changes, and you're not just here to act, you're not just here to gain a certain kind of freedom in the industry, but you're also here to make changes in the society. Like, I'm working with Period to Period Shame for Women with the Government. I am working with SOS. I am working with the UN. So I am absolutely happy that the changes that I can make using the power in hand that I have right now, be it being an actor, be it being a Miss India, I'm absolutely delighted because we need to be the change we want to see. So the freedom that we gauge by helping other people and supporting other people is, I think in itself is an award for me, because you know you need an award to of course make yourself feel better, but the award that you get from the universe by actually seeing a smile on a underprivileged kid's face or a old man's face who has no clothes to wear, roti kapda makan jiske paas nahi hai, when you with the power you hold help other people, because I think success is service plus support plus the kind of work that you do. And I think I'm very happy to be the power changer maker of the year, because it feels like the power is shifting, coming in the hands of the youth who are leading and marching with great success forward with the stories they believe in and the things they believe in. Thank you. What can I say about a woman? Mujhe lagta hai a woman is born as a cute daughter to some father, then she grows up with her siblings as a sister, and when she grows into a woman then she's married, and finally she becomes a wife, and further on when she's matured she becomes a mother. So when a mother starts teaching her children at home, the education starts from there. So I feel woman is an integral part to a man. ये कहा जाता है कि एक आदमी के सक्सेस में ऑलवेज एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, और आज हम उस एरा में जन्म लिए हैं जहाँ पर एक औरत एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन भी उसे देखा जाता है और उसके काम की तारीफ होती है। सो आई फील वेरी प्राउड टू बी अ वुमेन, एंड व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज वेरी डोसाइल। हम ये ना सोचें कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम काम करना शुरू करें। आज इंडिपेंडेंट इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है हर न्यूक्लियर फैमिली को, एक औरत को भी उतना ही हस्बैंड के साथ में हम साथी बनकर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो आई फील दैट एवरी वुमेन, दो इट इज़ नीडेड और नॉट नीडेड, शी नीड्स टू हैव हर ओन आइडेंटिटी। So I feel proud to be connected to that era where I can work and I can be recognized as a working woman at the same time. So it's a very pride to have girls, and मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक को इसका importance दिलाऊँ, एहसास दिलाऊँ that we are women, we are strong and we are able to do anything and everything. Where we don't have definition for impossible, because impossible says I'm possible. So I thank all women to take concrete participation and stand out as a woman and be feel proud as a woman. Thank you. Holi is around the corner. Kya plan hai is saal Holi ke? To tell you frankly, we have been challenged by some serious virus called coronavirus.
So I would pledge everyone, each and every Indian and citizen to take care. And you know, Holi एक मिलन का त्यौहार है, बड़ा प्यारा सा त्यौहार है, लेकिन आज मुझे लगता है कि हम लोगों को जो चैलेंज मिला है उस चैलेंज का चैलेंज को ध्यान में रखते हुए वी शुड जस्ट ऑलवेज टेक केयर टू सी टू इट दैट वी रादर बी टेकिंग प्रिकॉशंस व्हाइल वी आर गोइंग आउट व्हाइल वी आर मीटिंग पीपल. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी सेफ. होली हर साल आएगी और हर साल हम लोग खेलेंगे, लेकिन इस साल के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को होली का त्यौहार अपनों के साथ में घर पे बैठ के मनाना चाहिए. इट्स अ रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच.